कांड शाखे प्रत्यारण्य उपनिषद चतुर्थ अध्याय तृतीय ब्राह्मण 22वें कंडिका के ऊपर विचार चल रहा था। प्रसंग था तीर्णो ही तदा सर्वान् शोकान् हृदयश्च भवति, ये मंत्र के अंतिम में है, इसी के विचार चल रहा था। जितने भी वासनाएं संस्कार इच्छाएं हैं हृदय में है, हृदय में हृदयस्थ बुद्धि बुद्धि में है, यह हृदय शब्द का अर्थ जहाँ लक्षण के द्वारा बुद्धि अर्थ लेना है, हृदयस्थ बुद्धि में है। हृदय में, हृदय में मांस पिंड होता है और उसमें स्थित जो बुद्धि है उसमें सारे संस्कार वासनाएं जितने भी हैं उस काल में तीर्ण हो जाता है। सुषुप्त अवस्था में हृदय के संस्कार से मुक्त हो जाता है, क्यों हृदय कारण भी हो रखा है ज्ञान में, सुषुप्त अवस्था में प्राज्ञ आत्मा के साथ एक हो रखा है। इसलिए तो इस विषय में भक्ति प्रपंच का कहना है, मैंने भक्ति प्रपंच ऐसे हैं वेदांति मानते हैं, वेदांति के एक ऋषि हैं, मुख्य सिद्धांत तो पता नहीं है, सामान्य सिद्धांत तो पता है उनको, तो ये कहते हैं भक्ति प्रपंच प्रस्थान उत्थापयती, भक्ति प्रपंच जो मार्ग है उसको उत्थापन करते हैं भाष्यकार। भक्ति प्रपंच इस विषय में क्या कहना चाहते हैं, तीर्णो ही तदा सर्वान् शोकान् हृदयश्च भवति का क्या करना चाहते हैं, तो कहा ये तो बाद हृदय स्थिरता कामा वासनाश्च हृदय संबंधी आत्मा उपसृत्य उपलक्ष्यति ऐसा मान हृदय बीजो बीज अत्यंत आत्मा हृदय बीज आत्मनि अवतिष्ठन्ते कुटस्तैलस्तैव पुष्पगंध पुष्पादिगंधेति आचक्षति ये तो बाद आचक्षति। कुछ लोग ऐसा कहते हैं हृदय प्रपंचादि क्या मानते हैं, काम हृदय में आश्रित है, वासनाएं हृदय में है, किंतु हृदय में होते हुए हृदय के अभाव काल में आत्मा में हो जाते हैं, बुद्धि के अभाव काल में जाने जाते हैं। ये तो बाद इन हृदय स्थिरता कामा मान वासना से जितने भी इच्छाएं हैं हृदय में हैं और वासना जितने भी संस्कार है हृदय में, ऐसा हृदय संबंधी नम वो हृदय के जो वासना संस्कार है हृदय के संबंधी जो आत्मा है, हृदय के संबंधी आत्मा में उपसृप्य उपश्लेषण कहते हैं, उस पर पहुँच करके वहाँ आत्मा में आश्रित हो जाते हैं। हृदय जो काम थे वो कामों का संबंध हृदय में था, किंतु हृदय का संबंध आत्मा में है, बुद्धि का संबंध है, इसलिए बुद्धि में होने वाले जो है आत्मा में पहुँच जाते हैं काम आदि, ऐसा कहते हैं। उस स्थिति में क्या बोलते हैं, हृदय भी होंगे भी जिस काल में हृदय में बुद्धि नहीं है काम नहीं करती, सुषुप्ति अवस्था में हृदय का भी होगा उस काल में भी आत्मा नहीं अवतिष्ठन दे आत्मा में रहते हो, क्यों कामों का आश्रय बुद्धि और बुद्धि का संबंध है आत्मा में, तो बुद्धि न होने पर भी हृदय न होने पर भी आत्मा में आश्रित होते हैं, उसे सुद्धि काल में कहते हैं। कैसे तो कहा एक दृष्टांत दिया उन्होंने, पुट तैलस्थ एवं पुष्पादि गंधर, जैसे तेल में पुष्पादि को रखा था कई दिन तक, तो उसके बाद पुष्प को निकालने पर पुष्प जिस काल में अब नहीं है न होने पर भी वो तेल में गंदे हो जाता है, आश्रित हो जाते हैं पुष्प आदि का गंदा तेल में आश्रित हो जाते हैं, किसी पात्र में तेल है तो तेल में पुष्प आदि को रख दिया गया था, अब पुष्प आदि का वियोग होने पर भी पात्र से पुष्प अलग हो गया है फिर भी उस तेल में गंदा रह जाता है, इस प्रकार उसका गुण रह जाता है। इस प्रकार हृदय में थे आश्रित काम और वासनाएं जो भी थी इच्छाएं हृदय मान बुद्धि में थी, बुद्धि का अभाव काल है जिस काल में सुषुप्ति काल में आत्मा में आश्रित होते हैं, तो सुषुप्ति में भी काम आदि आत्मा में है ऐसा मानते हैं ऐसा कहते हैं। कहा एक कहा है हृदय भी योगी भी ने 9 नंबर टिप्पणी बताया है, हृदय भी योगी संप्रसाद आदो हृदय का सुषुप्ति आदि अवस्थाओं में हृदय का अभाव होने पर भी जो हृदय में स्थित वासना अब आत्मा में आश्रित हो जाते हैं। दृष्टांत दिया जैसे किसी पात्र में तेल है, तेल में पुष्प आदि को रखा गया था, संबंध था पुष्प का संबंध तेल में था गंध का, अब वो पुष्प हटाने पर भी वो गंध तेल में रह जाता है, तेल में पहुंच जाते हैं पुष्प का गंध जो होगा तेल में पहुंच जाते हैं पुष्प न होने पर भी, ठीक इसी प्रकार ये कहते हैं। कहा तेषाम काम संकल्पो हृदय हे गुरुपाणी हृदय से शोका इत्यादि नाम वचना अनर्थक तेषाम मतम, उनका जो मत है भक्ति प्रपंच का मत, उनके मत के अनुसार ये श्रुति संगत नहीं लगती, कौन
काम संकल्प विचिकित्सा श्रद्धा अश्रद्धा धृति अधृति ह्रीर धी भी इत्येतत् सर्व मन एव बोला है। सब कामादि मन में दिखाया है, मन की वृत्ति है, यहाँ आत्मा में है ही। ये श्रुति घटेगी नहीं उनके मत में। दूसरा हृदय ही रूपाणि भवन्ति, साकल्य ब्राह्मण ने कहा था रूप किसमें आश्रित है, कहा हृदय, आत्मा में आश्रित नहीं रहा, हृदय में कहा। और हृदय से शोका इसी कंडिका में कहा था कि तिरोही तदा सर्वान शोका हृदय शोभती, ये सब इत्यादि नाम श्रुति नाम, ये श्रुतियों का बचना नाम अनर्थक के प्रभाव, अनर्थक हो जाएगा श्रुति को बचा यदि आत्मा में काम आश्रित मानेंगे। ये श्रुतियाँ सब हृदय में आश्रित मानती है। काम संकल्प हृदय रूपाणी इत्यादि में नंबर दिया हुआ 10-11 में बोलते हैं। 10 में कहा प्रथम अध्याय के पंचम ब्राह्मण था काम संकल्प आदि और हृदय भी रूपाणी में होती। तृतीय अध्याय के नवम कंडिका में नवम ब्राह्मण में था, मैंने साकल्य ब्राह्मण की चर्चा की। कहा आगे हृदय कर्ण उत्पाद्यत्वात् उनका कहना है हृदय रूपी जो कर्ण है, हृदय कर्ण है उसके द्वारा उत्पन्न है, वो आत्मा में उत्पन्न है, हृदय के माध्यम से आत्मा में उत्पन्न है काम। क्यों? काम उत्पन्न होने के लिए हृदय कारण बना हुआ है, आत्मा में काम उत्पन्न होने के लिए। हृदय कर्ण उत्पाद्यत्वात् हृदय रूपी जो कर्ण है माने मन अंतकरण कर्ण है, इसके द्वारा उत्पाद्य है जो काम आदि, इसलिए आत्मा में आश्रित हो जाते हैं। ऐसा कहे तो ना कहते सिद्धांत हृदय स्थिरता यदि विशेषणार्थ यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामाय से हृदय स्थिरता अधमर्त्यो मृतो भवति एतद्धि अनुशासनम्, ऐसा कहा हुआ है। तो हृदय स्थिरता बोला, काम कामों का आत्माश्रित नहीं बोला, काम काम ये इच्छा आदि को संस्कार आदि को हृदय स्थिरता इति विशेषणार्थ विशेषण लगाया, कहाँ के काम पहले हृदय स्थिरता हृदय में आश्रित काम जिस काल में मुक्त हो जाता है। कहा नहीं हृदय से कर्णमात्रत्व हृदय स्थिरता इति वचनम समंजसम, ऐसे युक्ति संगत नहीं होगी यदि हृदय यदि कर्ण है तो कर्ण में काम आश्रित होना यदि हृदय स्थिरता इति वचनम सम, उसमें विशेषण लगाने में अर्थ हो जाएगा। यदि हृदय में आश्रित हो तो हृदय स्थिरता के विशेषण ये कहना ठीक नहीं होगा। यदि कर्णमात्रत्व हृदय जो कर्ण है उपकरण है साधन है आत्मा में कामादि उत्पत्ति के मानेंगे तो हृदय स्थिरता इति वचनम, हृदय स्थिरता नहीं कहना चाहिए। कोई भी वस्तु कर्ण में आश्रित नहीं होता है, मन कर्म में आश्रित होता है, कर्ण बनाने का जो साधन होता है उसमें आश्रित नहीं होता है। हृदय स्थिरता के वचन समंजसम न भक्ति यही पूर्व कहा, युक्ति संगत नहीं, एक नंबर का संगत नहीं होगी। हृदय ही में रूपाणी प्रतिष्ठितानी यदि हृदय ही में रूपाणी प्रतिष्ठितानी ऐसा साकल्य ब्राह्मण में बोल के आ रहे हैं। हृदय में भी सारे रूप जितने भी नाम और रूप दो होते हैं, दो विषय हैं, रूप जितने भी हैं काम आदि भी रूप हैं सब हृदय में आश्रित है, ऐसा बोल के आए आश्रित होते हैं, कहा आत्मा में नहीं कहा है। और दूसरी बात यह है जो प्रकरण चल रहा है ज्योति ब्राह्मण प्रकरण जो चल रहा है ये प्रमाता की विशुद्धि के लिए, इसकी शुद्धि माने मन थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर से अलग अलग करके सुषुप्ति अवस्था में पहुंचाया हुआ है, इसकी विशुद्धि के लिए प्रकरण है। काम के बारे में कहा आत्मविशुद्धेश विवक्षितत्व, इस प्रकरण में आत्मा की विशेष शुद्धि विवक्षित है, इसे तत्शरणम वचनम यथार्थम है। हृदय में, हृदय में जो कामादि का आश्रय कहना ठीक है, आत्मा में नहीं है। क्यों? आत्मा को शुद्ध करने के लिए प्रसन्न चला हुआ है तादाद में आदि हटाने के लिए, तो काम आदि का आश्रय हृदय को लेना इच्छा अच्छा होगा, आत्मा में नहीं। क्यों? आत्मशुद्धि प्रकरण है। आत्मविशुद्धेश विवक्षितत्वात् आत्मा की विशुद्धि विवक्षित होने से हृदय हृदयम वचनम यथार्थम एवं, हृदय में आश्रित कहा काम आदि को यथार्थ है ये जानना चाहते हैं। तीर्ण ही तदा सर्वान हृदय भगवती सुशुद्धि अवस्था में काम आदि से तीर्ण हो जाता पार हो जाता, काम आदि नहीं होते हृदय में है काम आदि, आत्मा में हो तो आत्मा सुषुप्ति में होने पर सुषुप्ति में मिलना चाहिए, काम आदि नहीं मिलते। ठीक है, दो और तीन चार तीन पढ़िया
तुम पदार्थ हो दृश्य, आत्मविशुद्धि मानी क्या, तुम पदार्थ तत्वशी में आया हुआ जो तुम पद है उसकी शुद्धि के लिए प्रकरण चल रहा है, फूल शरीर से पृथक, सूक्ष्म शरीर से पृथक, ऐसा करके जा रहे हैं, ये प्रकरण है। कहा तीन में कहा अत्र प्रकरण है, इस प्रकरण में ये प्रकरण जो है इसके लिए है विवक्षित होते, इस प्रकरण में विवक्षित क्या है, आत्मविशुद्धि, तुम पदार्थ की शुद्धि विवक्षित है, इसलिए काम आदि को आत्मा ने कहा ठीक नहीं कहा। ये जो हृदय वचनम यथार्थ में जो कहा था चार का मुख्य में हृदय में आश्रित का मुख्य ही है, ये कहते हैं ठीक से देखना है। सत्यम हृदय तन्निष्ठान कामादिनाम आत्मनिपश्लेषो न तन्निकृत इतिहास का पूर्वादि बोलता है हृदय के होने पर ही, हृदयनिष्ठ जो कामादि हैं मान बुद्धि के होने पर ही बुद्धिनिष्ठ कामादि आत्मनि उपश्लेष सिद्धांति की ओर से बोला गया, हृदय जिस काल में होगा उस काल में मान लेते हैं हृदय में आश्रित काम हृदय के साथ संबंधों से आत्मा में हो सकता है ठीक है, किंतु उस काल में हृदय नहीं है बुद्धि नहीं सुषुप्ति में, ये सिद्धांत का कहना है। सत्यव हृदय, हृदय के होने पर मन बुद्धि के होने पर तन्निष्ठान कामादि ना बुद्धि जो कामादि हैं आत्मनि उपश्लेषो न तन्निवृत्त होगी, उपश्लेष तभी होगा हृदय के होते हुए, हृदय जहाँ निवृत्त हो चुका है सुषुप्ति अवस्था में बुद्धि नहीं है, तो तन्निवृत्त हुई थी आशंका पूर्व सिद्धांत की ओर से शंका उठाई, उसके उत्तर में पूर्वादि बोलता है सत्र की टिप्पणी में जहाँ हृदय निवृत्त हो तन्निवृत्त हो मानी हृदय निवृत्त हो, हृदय के निवृत्ति होने पर हृदय के जो काम के गुण थे काम आदि थे आत्मा में होना संभव नहीं है, सिद्धांत की ओर से शंका उठाई। तो भक्ति प्रबंध की ओर से कहा हृदय वियोग भी कहा हृदय के वियोग अवस्था में जिस काल में बुद्धि नहीं काम नहीं करती बुद्धि नहीं है सुषुप्ति अवस्था में हृदय वियोगे भी चाहे आत्मनि अवतिष्ठन्ते वो काम आत्मा में रहते हैं, हृदय के न होने पर भी काम का संबंध हृदय था और हृदय का संबंध आत्मा में होने से हृदय से काम आत्मा में पहुंच जाते हैं ऐसा कहा। तो कैसे तो दृष्टांत देते हैं भक्ति प्रबंध कहते हैं पुटतैलस्तैव पुष्पादिगंध इतिहास अक्षर ये कहते हैं इसी पात्र में तेल है उसमें पुष्प रख दिया गया है वो पुष्प आने बाद में पुष्प हटाने पर भी पुष्प का गंध पुष्प में आश्रित था, पुष्प का गंध जो था पुष्प में आश्रित था किंतु उसका संबंध तेल हो गया पुष्प के संबंध होने से पुष्प का गंध पुष्प न होने पर भी तेल में जैसे रहते हैं इसी प्रकार कामादि हृदय में आश्रित है ठीक है पूर्ववादी भक्तिपूर्ण कर फिर भी वो हृदय का आत्मा के साथ संबंध है बुद्धि का, इसलिए बुद्धि के अभाव काल में भी आत्मा में रह जाते हो कैसे जैसे तेल में पुष्प का गंध पहुंच जाता है ऐसा कहा। ठीक है हम कहते हैं तन मते श्रुति विरोध भक्ति प्रपंच के मत में श्रुति का विरोध है, कई श्रुतियां विरोध करेगी उनके मत ठीक नहीं है क्यों तेषाम इत्यादि का तेषाम मानी भक्ति प्रपंचाला मतम जो भक्ति प्रपंचादि के मत हो काम संकल्प हो काम संकल्प विचिकित्सा श्रद्धा अश्रद्धा धृति अधृति ह्रीर भी इत्येतत् सर्व मन एव बोला मन में है सब आत्मा में नहीं है काम आदि एक श्रुति विरोध और दूसरा श्रुति विरोध क्या है तो कहा हृदय ही एव रूपाण हृदय से स्वका इत्यादि नाम कहा कौन श्रुति का विरोध एक तो काम संकल्प आदि श्रुति का विरोध दूसरा हृदय ही रूपाणी हृदय से स्वका इत्यादि मैंने ये सारे रूप किसमें हैं हृदय में है नाम रूप दो प्रकार के जगत में रूप जगत जितने हैं हृदय में है नाम जगत में उसी में आश्रित है कहना है। तो और दूसरा है हृदय से शोका कहा तीर्णो ही तदा सर्वान शोका अनुभवती हृदय से भवती इत्यादि कहा इन वचनों का अनर्थक हो जाएगा यदि कामाश्रित आत्मा को मानेंगे तो हृदयाश्रित बोलते हैं सब एक श्रुतियाँ ठीक है ठीक हम कहते हैं हृदय न करण ने उत्पाद्यत्वाद हृदय रूपी करण से उत्पन्न है यह काम आदि यदि बुद्धि के अभाव काल में काम आदि नहीं दिखते तो उनके उत्पन्न करने के हृदय रूप करण है मन अंतकरण बुद्धि के द्वारा उत्पन्न है वो ये पूर्ववादी कारण हृदय न करण न उत्पन्न उत्पाद्यत्वाद मन आत्मनि उत्पाद्यत्वाद आत्मा में उत्पन्न है आत्मा में काम आदि उत्पन्न होते हैं हृदय के संबंध होने पर आत्मा के साथ जब
बुद्धि का और आत्मा का संयोग होगा उनके मत में, तो संयोग होने पर काम आदि उत्पन्न होते हैं, आत्मा में उत्पन्न होते हैं हृदय रूप करण के द्वारा, इसलिए ये कहते हैं वो आत्मा विकार में काम आदि नाम, काम आदि यद्यपि आत्मा के विकार हैं, आत्मा में उत्पन्न होते हैं, आत्मा का कार्य है वो, हृदय के संबंध होने से आत्मा में उत्पन्न होते हैं, हृदय करण है वो, हृदय संबंध संभवाद, वहाँ हृदय का संबंध है आत्मा में संभवाद न अनर्थक्यम श्रुति नाम, और श्रुतियों का अनर्थकता नहीं होगी, ये काम संकल्प आदि श्रुति जो दृष्टांत दिया वो अनर्थकता नहीं है। इति संकते भक्ति प्रपंच बल से संकाय की जाती है, हृदय एक कहा हृदय करण उत्पाद्यत्वादि चेत, हृदय रूपीकरण से आत्मा में उत्पन्न है काम आदि, इसलिए हृदय स्थिरता बोल दिया, गौण प्रयोग है कि भक्त प्रबंध से कहा सिद्धांत कहते हैं न कामादि संबंध मात्र हृदय से श्रुति अर्थ किंतु आश्रय आश्रयत्व तच्च कर्मत्वे नश्य न कामादि संबंध मात्र हृदय से श्रुति अर्थ, कामादि का संबंध मात्र हृदय के हृदय में श्रुति का अर्थ हृदय है, सिद्धांत वो बोलते हैं हृदय श्रुति किंतु आश्रय आश्रयत्व, आश्रय आश्रय भाव है हृदय के साथ काम आदि का, आश्रय 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 है हृदय, आश्रय है काम आदि का और आश्रित है काम आदि, तच्च कर्णत्वे नश्य, यदि कारण है हृदय तो आश्रय आश्रय भाव हो नहीं सकता, अपने उपादान कारण में उत्पन्न होता है पदार्थ, कारण में उत्पन्न नहीं होता, दंड में घट पैदा नहीं होता, दंड से होता है, दंड में घट पैदा नहीं होता, वो तो घट पैदा होगा मिट्टी मृत्यु का, तो कामादि संबंध मात्र नहीं, हृदय से श्रुति का अर्थ ये नहीं है, किंतु एक केवल कामादि का संबंध है इतना मात्र नहीं, और भी आश्रय आश्रय भाव भी बताती श्रुति, माने आश्रय है, आश्रय है हृदय और आश्रित है कामादि, ऐसे भी कहती है, तच्च कर्णत्वे नश्य अर्थः, कर्ण मानने पर नहीं हो पाएगा, आश्रय आश्रय भाव नहीं हो पाएगा, एक अनुदात सिद्धांत है। 19 के टिप्पणी में कहा जन्य जनक का संबंध मात्रम, केवल जन्य जनक संबंध मात्र नहीं आश्रय आश्रय भाव भी है, और भी कहा कि नहीं चक्षुरादि आश्रय में रूपादि ज्ञानम दृष्टम, रूपादि का ज्ञान वेदांत मत में अंतकरण होता है किंतु चक्षुरादि के माध्यम से होता है, चक्षुरादि के माध्यम से जो ज्ञान होगा वो ज्ञान चक्षुरादि में आश्रित नहीं माने जाते, इदम रूपम ये ज्ञान हुआ, यह रूप है ऐसा ज्ञान हुआ, लीला पीला जो आकार का ज्ञान हुआ चक्षु के माध्यम से हुआ है, किंतु कहाँ ज्ञान कहाँ होगा अंतकरण में एक वृत्ति बनेगी, तो वो चक्षु का नहीं मान सकते उसको, कारण मानने पर हृदय को कारण मानने पर वहाँ पर कामादि उत्पत्ति नहीं कर सकते, कामादि जो वहाँ आश्रय नहीं है मानते हैं तो काम संकल्प आदि श्रुति का विरोध हो जाएगा, ऐसे कहने नहीं चक्षुरादि आश्रयत्व रूपादि ज्ञानम दृष्टम, क्या चक्षुरादि में आश्रित होते हो रूपादि ज्ञान ऐसा नहीं होता, चक्षु में रूप का ज्ञान आश्रित नहीं होता, रूप का ज्ञान अंतकरण में आश्रित होता है जहाँ उसको उत्पन्न होना है वहाँ, इति परिहर सिद्धांत का न सिद्धांत बोलते हैं न हृदय स्थिरता यदि विशेषण, हृदय में आश्रित हृदय में आश्रित है ऐसा विशेषण लगाया हुआ है, कामादि का आश्रय कौन है हृदय है ऐसा दिखाया है, आत्मा में नहीं है कामादि कहा नहीं हृदय से कर्ण मात्र, हृदय को कर्ण मानने पर कामादि उत्पत्ति के लिए हृदय को कर्ण मानना और आत्मा को अधिकरण मानने पर हृदय स्थिरता इति वचन न संबंध संपूर्व में युक्ति संगत नहीं है, और हृदय ही हृदय ही एव रूपाणी प्रतिष्ठितानि इति ये वचन भी संगत नहीं होगा, साकल्य ब्राह्मण कहा गया था जो युक्ति संगत नहीं हो पाएगी, हृदय में रूप आश्रित है, नाम रूप दो पदार्थ है एक नाम एक रूप, तो एक नाम और रूप है जितने रूप है हृदय में आश्रित है, आत्मा में नाम भी नहीं रूप भी नहीं, इसके लिए कहा गया ये भी नहीं, चकार दिया है तो चकार से क्या लेना कहना चाहते हैं, चकारात वचनम न समंजसम ये लगा देना, ये श्रुति के वचन हृदय रूपाणी इत्यादि श्रुति का वचन भी संगत नहीं होगी, न संगत होगी असंगत संभा पूर्वादि की शंका है आगे प्रदीपा आयत्तम घट ज्ञानम,
अयम घटा ये ज्ञान होता है, किंतु दीपक के अधीन होकर के होता है, प्रकाश नहीं है तो इधर अयम घटा ये ज्ञान होगा ना। प्रदीप आयतम दीपक के अधीन जो घट ज्ञान होता है, घट ज्ञान विधि बद इसके समान गौण प्रयोग है, घट का ज्ञान दीपक के अधीन है इसके समान। विधिवत अंतकरण आयत्व आत्माश्रित काम आदि अंतकरण के अधीन आत्मा में आश्रित होते हैं काम, जैसे दीपक के अधीन है घट का ज्ञान, किंतु होना आत्मा में है उनके मत में, वेदांति मत में अंतकरण होना है घट का ज्ञान, क्योंकि दीपक के अधीन प्रकाश नहीं है तो घट का ज्ञान नहीं होगा, सामने घर अंधेरे में ज्ञान नहीं होगा अंधकार में। प्रदीपा आयत्व घट ज्ञान विधिवत इसके समान अंतकरण आयत्व आत्माश्रित तत्व काम आदि, अंतकरण के अधीन है आत्मा में आश्रित है काम आदि, अंतकरण के अधीन होकर के उनके माध्यम से होता है किंतु आत्मा में है काम आदि। तस्य काम आदि तदाश्रयत्व आत्माश्रयत्व वचनम हृदयाश्रित तत्व वचनम औपचारिकम, काम आदि को हृदयाश्रित कहा जो गौण प्रयोग है, जैसे दीपक के अधीन होकर के घट का ज्ञान होता है तो घट का ज्ञान दीपक को कारण मानना गौण प्रयोग है दीपक से होने में। इसी प्रकार ये जो अंतकरण के अधीन है इसका काम आदि का ज्ञान, अंतकरण आयत्तम आत्माश्रितम आत्मा में आश्रित है अंतकरण के कारण होता है, तस्य माने काम आदि तदाश्रित वचन हृदयाश्रित वचन औपचारिकम अनौपचारिक वचन औपचारिक गौण प्रयोग है। मुख्य काम का आश्रय कामादि का आश्रय आत्मा है, किंतु हृदय में कहने का मतलब गौण की स्मृति होने हृदय में ऐसे रूपाणी भगवती आदि स्मृति में गौण प्रयोग है, ये उनका भक्त प्रपंच का कहना है। तब कहते सिद्धांत बोलते ना ये होगा आत्म सिद्धि से इत्यादि बोलेंगे, टिप्पणियाँ हैं 11, 12, 13, 14, 11 में कहा अंतकरण एक छेद कहते हैं अंतकरण ऐसे पदछेद कर देना कहते हैं यहाँ टीका में, बदंत नहीं बोलना घट ज्ञान यदि बद अंतकरण ऐसा पदछेद करके रखना कहा। 12 में कहते हैं अंतकरण अधीनत्वात् जो अंतकरण के अधीन होता है वो आत्मा कामादि का ज्ञान, यदि अंतकरण नहीं जिसका हाल में कामादि का ज्ञान नहीं होगा, कामादि उत्पन्न नहीं होते, कामादि उत्पन्न होने के लिए अंतकरण की आवश्यकता है तो आत्मा में उत्पन्न होते हैं आत्माश्रित है वो, किंतु अंतकरण के अधीन होने के कारण अंतकरण में बोल दिया सकते होते हृदय स्थिरता आदि बोल दिया, ये गुरुवाणी का कहना है। तो ये जो हृदय स्थिरता वचन औपचारिकम कहा था, औपचारिकम ने 14 की टिप्पणी बताया है गौणम बोल दिया, गौण प्रयोग है, मुख्य तो काम आदि का आश्रय आत्मा है, तो हृदय स्थिरता करके बोला गया गौण प्रयोग करके स्मृति में, ये पूर्वादि की शंका हो गई तो सिद्धांत बोलते हैं ना करके बोलते हैं। आगे बोलते हैं कि कामा पूर्वादि ने कहा कामा इत्यादि बोला था ना, कामा ऐसे हृदय स्थिरता आदि कहा था उसके बारे में। आत्मविशुद्धि सिद्धांत को आत्मविशुद्धेश विवक्षितत्वादि हृदयश्रयण वचनम, आत्मा की शुद्धि करना है, ये काम आदि हृदय में है कि आत्मा में है, यदि आत्मा में काम आदि होगा तो संसारी रहेगा मोक्ष नहीं हो पाएगा, कामादि का आश्रय हो तो उसके लिए आत्मा की शुद्धि के लिए प्रकरण चल रहा है ज्योति ब्राह्मण उसके लिए चल रहा है। सिद्धांत की ओर से कहा आत्मविशुद्धेश विवक्षितत्वात् हृदय क्षरण वचन, ये कामादि हृदय में है कहने से आत्मा में कामादि नहीं है, शुद्ध हो जाएगा आत्मा, शुद्ध माना जाएगा, यदि कामादि हो तो आत्मा अशुद्ध रहेगा फिर संसारी रहेगा, ये प्रकरण यहाँ चल रहा है का आत्मा विशुद्धेश विवक्षितत्वात् हृदय क्षरण वचन यथार्थम होगा, हृदय में आश्रित जो का कामादि को यथार्थ है, ये सिद्धांत कहा। टीका में कहते हैं इतस्य इदम यथार्थम होगा, हृदय आश्रित जो कामों को कहा यथार्थ है, ये सेतु से भी हेतु क्या है ध्यायती व लेलायती वी चुते अन्य अर्थ असंभवान करते हैं, इसी में आया था ध्यायती व लेलायते तृतीय ब्राह्मण में आया, आत्मा वास्तव में चिंतन नहीं करता ध्यान नहीं करता,
बुद्धि के चिंतन को तादात्म्य करके आत्मा में डालता है, अज्ञान का ध्यायति इव, आत्मा में इव लगा के बोला है। लीला यदि वह गच्छति इव, माने प्राण के चेष्टा होने से, चेष्टा करता है प्राण, वैसे देखने से क्या होता है, लीला यदि इव गमन करता जैसा होता है। चिंतन क्रिया भी वास्तव में आत्मा नहीं, आत्मा में नहीं है, चेष्टा भी नहीं है। इव लगा कर श्रुति ने कहा एक अस्मितेर अन्यथा असंभवात् इति। टीका में कहा अन्यथा असंभवात्, अन्य विषय हो नहीं सकता, हृदय में काम आदि आश्रित होना संभव नहीं है, आत्मा में आश्रित होना संभव नहीं, यही है। बुद्धि आश्रण वचनम वचन से ही है, बुद्धि में आश्रय जो कहा गया है ना, उसका अन्य अर्थ नहीं हो सकता, आत्मा में आश्रित करना संभव नहीं है, बुद्धि में ही है, क्यों, आत्मविशुद्धि का प्रकरण है, काम आदि से आत्मा को पृथक करना है, उसके लिए प्रयत्न चल रहा है। ठीक है, आगे कहते हैं अन्य प्रकार से संग्रह है उनका वज्र प्रबंध का। दक्षिण न अक्षा पश्यति इति उक्ते, बामेन न पश्यति वत् प्रमुच्यन्ते इति, प्रमुच्यन्ते हृदि स्थिता इति विशेषण आश्रित आसंगते। देखो ऐसा देवलोक में बोला जाता है दक्षिण अक्षा पश्यति, दाहिने आँख से देखता है, ऐसा कहने पर अर्थ से आ जाता है बाएं आँख से नहीं देखता। दक्षिण न अक्षा पश्यति इति उक्ते, दाहिने आँख से देखता है, दक्षिण नेत्र से ये देखता है, ऐसा कहने पर कोई वक्ता बोलता हो तो अर्थ से क्या आएगा, बाएं आँख से नहीं देखता। दक्षिण अक्षा पश्यति इति उक्ते, बामेन न पश्यति वत् इसके समान प्रमुच्यन्ते हृदि स्थिता कहा है। हृदय में आश्रित काम तो सब नष्ट हो जाते हैं, बाकी अन्यत्र जो आश्रित होगा वो रह जाएगा, ये सिद्ध हो जाएगा। पूर्वादि यह संग्रह करता है, हृदय में आश्रित जो काम थे तो प्रमुक्त हो जाएंगे, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते काम आए इससे हृदय स्थिता, ये तो हो गया हृदय में आश्रित होगा, अंतकरण में जो आश्रित काम थे बुद्धि में तो चले जाएंगे, किंतु अन्यत्र जो काम रहेंगे वो रहेंगे। जैसे दाहिने आँख से देखते हैं देखता माने बाएं आँख से नहीं देखता, वो बच जाता है। इसी प्रकार यहाँ भी हृदय स्थिरता बोलने के बाद हृदय में आश्रित जो काम थे मुक्त हो जाएगा, वहाँ से अलग हो जाएगा, किंतु आत्मा में जो आश्रित काम हो तो रहेंगे ना, काम आश्रित आत्मा अभी भी होगा, ये पूर्वादि की शंका है। दक्षिण न अक्षरा पश्यति इति उक्ते, दाहिने आँख से देखता है ऐसा कहने पर, बामेन न पश्यति इति वत् बाएं आँख से नहीं देखना सिद्ध हो जाता है। ठीक इस प्रकार प्रमुच्यन्ते हृदि स्थिरता कहा, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते काम है ऐसे हृदय स्थिरता, हृदय में आश्रित काम मुक्त हो जाते हैं, आत्मा मुक्त हो जाएगा उसी पृथक, हृदय में आश्रित काम अलग हो जाएंगे आत्मा से, ऐसा कहने पर तो क्या होगा, हृदय स्थिरता है विशेष हम आश्रित आसन, हृदय स्थिरता है जो विशेष प्रमुच्यन्ते हृदय स्थिरता कहा, हृदय में आश्रित आत्मा से रहित हो जाएंगे, बाकी आत्मा में जो आश्रित होंगे वो तो रहेंगे ना, काम उस काल में भी सुश्रुत में भी आत्मा में काम आदि है, ये पूर्वादि की शंका है। कामा ये कहा है भाष्य में कहा, कामा यसे हृदय स्थिरता इति विशेषणात्, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यसे हृदय स्थिरता अथ मर्त्यो मृत्यो भवति अत्र परम समस्तुते, इसी में आगे आना है। तो कामा ये अस्य हृदय स्थिरता, इसका जितने भी कामनाएं थे वासनाएं थी संस्कार थे हृदय में उसे मुक्त हो जाता है, ये कहा। यदि विशेषणात आत्माश्रया अभी शांति, काम जो है ना आत्माश्रय भी है, यदि आत्माश्रय में होते तो विशेषण लगाने की आवश्यकता नहीं थी, ये हृदय में आश्रित, हृदय विशेषण लगाया हुआ है, कहाँ आश्रित काम निवृत्त होंगे, हृदय, इसके मतलब अन्यत्र भी आश्रित है, नहीं तो विशेषण की आवश्यकता नहीं थी, विशेषण लगा हृदय विशेषण लगाया है, पूर्वादि की शंका ये कामा इसे हृदय स्थिरता के विशेषणात, हृदय विशेषण लगाने के कारण आत्माश्रया भी शांति इति चेत, आत्माश्रय भी काम है, आत्मा में आश्रित भी काम है, तब तो विशेषण लगाते हैं हृदय स्थिरता करके। सिद्धांत कहते न अनाश्रित अपेक्षा तत्वात्, हृदय में कुछ काम आश्रित हैं कुछ काम अनाश्रित भी हैं, दो प्रकार के हैं, काम का आश्रय हृदय भी है और कुछ हृदय में ही अनाश्रित काम भी है, इसके लिए विशेषण लगा है। हृदय में अनाश्रित काम कौन है, प्रमुच्यन्ते वहाँ पर वर्तमान लकार दिया हुआ है, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते लट लकार का प्रयोग है वहाँ, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते काम है श्री कृष्ण लट लकार का है, इसके मतलब
पहले जो काम थी, पहले भूतकाल की जो कामनाएं थी तो, और जो भविष्य में कामनाएं होगी, उन दोनों को पृथक करने के लिए विशेषण है हृदय शब्द में। वर्तमान को विशेषण इसलिए है, ये कहना है। ये कह रहे हैं अनाश्रित अपेक्षित और अनाश्रित काम जो हृदय में अभी वर्तमान में आश्रित नहीं है, उन काम से पृथक करने के लिए कहा गया हृदय स्थिरता विशेषण दिया है। अब हृदय में जो वर्तमान है ये कहने के लिए कहा। पांच की टिप्पणी कहते हैं हृदय अनाश्रित काम जागृत है। हृदय में जो आश्रित है वर्तमान, बुद्धि में आश्रित नहीं है, भूत काम भविष्य काम ये दोनों, उनके उनसे पृथक करने के लिए अनाश्रित काम से पृथक करने के लिए आश्रित कहा गया। ठीक है, वर्तमान में आश्रित कहा माना अनाश्रित काम भूत पे थे जो निवृत्त हो गए और आगे आने वाले हैं जो निवृत्त हो गए वैराग्य को, वैराग्य के माध्यम से आगे होगा ही नहीं, और पहले जो थे वैराग्य के कारण निवृत्त हो गए, उन काम से पृथक करने के लिए वर्तमान वाला दिया। ठीक कहना है ना आश्रयांतर में अपेक्षा ही ये हृदय विशेषण, अन्य आश्रय को लेकर के हृदय विशेषण नहीं दिया गया, अन्यत्र भी काम है आत्मा में भी है ऐसा कहने के लिए हृदय विशेषण नहीं दिया, हृदय विशेषण नहीं। किम तर ही तो फिर क्या है तो कहा ये हृदय अनाश्रित जो हृदय में अनाश्रित काम है तान अपेक्षा विशेषण, उन कामों को लेकर के विशेषण है हृदय स्थित बोला हुआ है। वर्तमान में हृदय में है, भूत वाले अभी हृदय में नहीं है, मन में नहीं है, भूत वाले विषयों में वैराग्य ज्ञान के माध्यम से निवृत्त हो गए हैं, और भविष्य वाले काम हृदय में आएंगे नहीं, वो अनाश्रित हैं। क्यों? ज्ञान हो गया तो आगे कामना विषय में कामना होनी संभव नहीं है। उन दोनों की से पृथक करने के लिए यहाँ पर हृदय सिद्धांत करके विशेषण दिया गया, एक अन्य सिद्धांत न अत्र आश्रयांतर में अपेक्षा, आश्रयांतर को लेकर के हृदय विशेषण, हृदय विशेषण इसके लिए नहीं है। क्यों तरी तब क्या है तो कहा ये हृदय अनाश्रित जो हृदय में आश्रित नहीं है काम वर्तमान में, तान अपेक्षा जो वर्तमान में आश्रित नहीं है हृदय में, कुछ भूत में थे कभी भविष्य में आने वाले हैं उनकी अपेक्षा करके ये विशेषण लगा दिया हृदय स्थिरता करके, या प्रमुचंदे वर्तमान लकार का भी प्रयोग है। छः और सात की टिप्पणियाँ, छः में कहा न संग्रहवाक्य विगुणते संग्रह अनाश्रित अपेक्षत्वादे संग्रहवाक्य था उसकी व्याख्या है। सात में कहते हैं तद व्यावृत्तम जो भूत काम और भविष्य काम है हृदय में होने वाले और हो गए हैं उनकी व्यावृत्ति के लिए वर्तमान हृदय स्थित का अभी जो आश्रित है उनके बारे में सोचा गया, तो विशेषण इसलिए है कहा। ये तो अप्ररूढ़ा, देखो ये कुछ प्ररूढ़ है फलोन्मुख है, जिसे प्ररूढ़ हो गए फल देने में तैयार है काम, और कब है वर्तमान वाले, वर्तमान वाले फल देने में तैयार है, और कुछ अप्ररूढ़ सुप्त अवस्था में अप्ररूढ़ भविष्य तो आगे होने वाले हैं। अप्ररूढ़ा का अर्थ है भविष्य तो बोल दिया, आठ के टिप्पणी बोला ये कहा है अप्ररूढ़ विवरण एकदम अप्ररूढ़ का अप्ररूढ़ शब्द का विवरण है भविष्य तो का भूताश जो भविष्य में होने वाले काम है आगे वासना संस्कार हृदय में आना है, और जो हो चुके हैं पहले भूतकाल में प्रतिपक्ष तो निवृत्त शत्रु के माध्यम से निवृत्त हो गया, प्रतिपक्ष शत्रु क्या हो गया भूत वाले का अपने आप निवृत्त हो चुके हैं, वो सब वो है ही अभी हृदय में नहीं है भूत वाले, और भविष्य वाले आत्मज्ञान के द्वारा विषम वैराग्य के द्वारा निवृत्त हो जाता है, विषम वैराग्य आ गया तो उसकी कामना नहीं होगी निवृत्त हो जाते हैं, यही सब है निवृत्त। तेरह व हृदय स्थिरता संभाव्य बनते सके, इसी कारण से हृदय स्थिरता संभाव बनते थे कहा, इसलिए हृदय स्थिरता काम यहाँ पर संभाव रहा है, यदि विशेषण को हटाने के लिए कहा बताते हैं आगे। अतो युक्तम तान अपेक्षा विषय भूत काम आदि हैं और भविष्य काम आदि होने वाले हैं उनकी अपेक्षा करके वर्तमान के लिए विशेषण लगा दिया, यदा सर्वे प्रमुचंते काम आय से हृदय स्थिरता ये विशेषण है। अतः नव की टिप्पणी बताया अवतर तत्व अवतर अवतर यही है अवतर में काम वर्तमान नियमाभाव आता, काम केवल वर्तमान में ही नहीं होता भूत में भी होते हैं भविष्य में भी होते हैं, काम का वर्तमान तो नियम के अभाव होने से भूत भविष्यताम भी संभव है, भूत और भविष्य में भी काम होने की संभावना है होने पर फलित, अतः इसलिए विशेषण दिया
हृदय स्थित है। अभी हृदय में जो आश्रित है भूत और भविष्य अनाश्रित है, भूत काम निवृत्त हो चुका है और भविष्य काम आया ही नहीं, हृदय में आश्रित नहीं है। उनको उनसे पृथक करने के लिए यहाँ पर हृदय स्थित विशेषण दिया गया है। एक तो युक्तम तान अपेक्षा विशेषण कहा है, उनको भूत और भविष्य काम की अपेक्षा करके विशेषण दिया गया, कामाय से हृदय स्थित विशेषण है, न कि जो हृदय हृदय में आश्रित काम की तो निवृत्ति हो गई, जो हृदय में अनाश्रित वाले आत्माश्रित काम है वह रह जाएंगे सुषुप्ति काल में, ऐसे अर्थ से नहीं है। ये प्ररूढ़ात्माना विषय ते सर्वे प्रमुचित, ये अर्थ होता है जो प्ररूढ़ है फलोन्मुख हो चुके वर्तमान काम हृदय में आश्रित है, वर्तमान विषय वर्तमान विषय वर्तमान है जो काम विषय में है वर्तमान विषय पड़े हैं ते सर्वे प्रमुचित सारे काम नष्ट हो जाते हैं। एक आने के लिए हृदय स्थिरता कहा गया। एक दस की टिप्पणी एक प्ररूढ़ा दस की टिप्पणी बताया है एवं सती वाक्यर्थ में एक प्ररूढ़ा जो प्ररूढ़ काम है फलोन्मुख होकर बैठे हैं वर्तमान काम जितने भी हैं वह एक सर्वे प्रमुचनते काम है हृदय स्थित जिस काल में सारे हृदय की कामनाएं समाप्त हो जाती है वर्तमान कामनाएं। एक प्ररूढ़ा प्ररूढ़ा का अर्थ वर्तमान है। एक कहा है प्ररूढ़ प्ररूढ़ विषय वर्तमान है, विषय में वर्तमान है जो काम अभी विषय में चाह रहे हैं वो काम जब समाप्त होंगे बाद ते सर्वे प्रमुचनते सारे काम मुक्त हो जाते हैं जिस अवस्था में, उसी अवस्था में मर्त्यो अमृतो भवति अधमर्त्यो मृतो भवति, मर्त्य मनुष्य है वह अमृत हो गया मैं अमर हूँ ऐसे मानता है। ये तद्धि अनुशासन ऐसा बोलेंगे यही है अनुशासन उपदेश है कहेंगे आगे आएगा कहा ठीक है। कहते हैं प्रकारांतर विशेषण से अर्थवत्व दर्शन अन्य प्रकार से विशेषण आत्मा में आश्रित काम रह जाएंगे पूर्वादि की संख्या यही थी क्योंकि काम ऐसे हृदय स्थित आकर के विशेषण दिया श्रुति में तो हृदय में आश्रित काम तो नष्ट हो जाएंगे किंतु अन्य में आश्रित आत्मा में आश्रित काम होगा वह रह जाएंगे ये उनकी शंका थी धन की प्रवृत्ति की ओर से। तो उसका उत्तर दे रहे हैं प्रकारांतर अन्य प्रकार से नहीं आत्मा में आश्रित काम नहीं है सारे श्रुति हृदय में आश्रित मानती है फिर क्यों विशेषण दिया गया हृदय करके। तब कहते हैं अन्य काम मान भूत और भविष्य जो अनाश्रित काम थे अभी हृदय में आश्रित नहीं है भूत काम प्रतिपक्ष होकर के चला गया भविष्य अब आया ही नहीं उन कामों की निवृत्ति के लिए हृदय स्थित आकर के कहा श्रुत विशेषण दिया गया ये कहते हैं। ये कहना है प्रकारांतर क्या है तो कहा पंद्रह की टिप्पणी बता दिया है बादी अभिमत प्रकारा प्रकार उनको जो अभिमत इष्ट है बादी को भक्ति प्रबंध को उससे भिन्न प्रकार बादी को अभिमत यहाँ क्या है कुछ काम हृदय में आश्रित है कुछ काम आत्मा में आश्रित है तो हृदय में आश्रित वाले तो निवृत्त हो जाएगा किंतु आत्मा में आश्रित वाले रह जाएंगे तो सुस्पति आदि में कामना है ये कहना चाहते हैं किंतु सिद्धांति का अभिमत क्या है नहीं हृदय में दो प्रकार के काम हैं एक आश्रित काम है एक अनाश्रित काम है। अनाश्रित काम भूत और भविष्य वाला अनाश्रित है और वर्तमान वाला आश्रित है वो भूत भविष्य कामों से पृथक करने के लिए या हृदय स्थित आश्रित करके कहा गया ये कहते हैं सिद्धांत की ओर से एक है। तो कहा न करके सिद्धांत ने बता दिया ना अनाश्रित अपेक्षा तत्व माने अन्यत्र आश्रित करके नहीं कहा गया कि हृदय में जो अनाश्रित काम है भूत और भविष्य काम उसकी अपेक्षा से विषय दिया गया आश्रित बोला हुआ है। ये भाषण कहा नहीं अत्र आश्रयांतरम अपेक्षा ये हृदय विशेषण क्यों तरी तो कहा ये हृदय अनाश्रित काम तान अपेक्षा विशेषण कहा केवल आश्रयांतर को लेकर के नहीं है हृदय से भिन्न आश्रय कामों को भिन्न आश्रय आत्मा इसको लेकर के ये विशेषण हृदय विशेषण नहीं दिया गया सिद्धांत कहते हैं कि तरी पूछा गया क्या है फिर तो कहा ये हृदय अनाश्रित है हृदय में जो आश्रित है जो काम हृदय में अभी वर्तमान में आश्रित नहीं है भूत वाले काम भविष्य वाले काम काम तान अपेक्षा उन कामों की अपेक्षा करके विशेषण दी गई हृदय स्थित अभी वर्तमान में जो आश्रित नहीं है भूत वाले भी नहीं है भविष्य वाले भी नहीं है तो उनकी अपेक्षा करके यहाँ हृदय स्थित बोला गया ये सिद्धांत का कहना है ठीक है। अत्र इति प्रकृति श्रुति उक्ति जो अत्र पद है ना न अत्र अत्र माने इसी श्रुति में जो 22वीं कंडिका में जो कहा गया है तिलो ही तदा सर्वान सौदा निर्दय से होगा इसी श्रुति में कहा
आश्रयांतरम बुद्धि अतिरिक्त अतिरिक्तम आत्माख्यम। भारतीय प्रपंच कहना चाहते हैं कि अन्य आश्रय में भी काम है, तभी तो विशेषण लगा दिया हृदय स्थिरता, यदि ना हो तो विशेषण व्यर्थ होता। अन्य में भी आश्रय देखा, आत्मा में भी है, ये उनका कहना है। आश्रयांतर क्या है? बुद्धि अतिरिक्तम आत्माख्यम का। भारतीय प्रपंच के मत पर है कि काम आत्मा में भी है, हृदय स्थिरता विशेषण से सिद्ध होता है कि अन्यत्र भी है। कौन है तो आत्मा, ये उनका कहना है। बुद्धि अनाश्रिता काम आयन संति यद अपेक्षा हृदय आश्रित विशेषण आशंका। ये भारतीय प्रपंच के कहना यही है, बुद्धि में अनाश्रित काम है ही नहीं। बुद्धि अनाश्रिता काम आयन संति यद अपेक्षा हृदय आश्रित विशेषण, जिसके लिए करके हृदय को बुद्धि अनाश्रित, अन्यत्र बुद्धि में अनाश्रित काम नहीं है, सिद्धांति बोलते हैं। ये कहना चाहते हैं बुद्धि अनाश्रिता काम आयन संति, बुद्धि से बुद्धि में अनाश्रित काम है ही नहीं, सिद्धांतिक वर्ष है। यद अपेक्षा हृदय आश्रय तो सिद्धांतिक वर्ष शंका है, बुद्धि में अनाश्रित काम है नहीं, तो काम एवं संति बुद्धि में आश्रित है सारे काम अन्य रहे। यद अपेक्षा हृदय आश्रय तो विशेषण, जिसके लेकर हृदय तो विशेषण हो, ऐसे पूर्वादि की शंका हो गई। तो ये तू कहा, ये तू करके सिद्धांत ने कहा, ये तो अप्रगूढ़ा, जो काम अप्ररूढ़ अवस्था में है, माने फल उन्मुख नहीं हुए हैं। भविष्य तो भूताश, भूत हो या भविष्य तो जो कामनाएं हैं संस्कार है वो, प्रतिपक्ष तो वो जो शत्रु है, बुद्धि विषय में अनाश्रित काम वो है, आश्रित है। भूत चले गए, भविष्य अभ्य आया नहीं, आश्रित नहीं है वो। तेरा हृदय स्थित आदि, इन्हीं के लिए उस विशेषण लगा रहे हृदय स्थित, ये सिद्धांत ने कहा। प्रतिपक्ष तो मैंने विषय दोष दर्शनार्थ, कैसे भूत वाले काम कैसे गए, विषय में दोष दर्शन के कारण गए। विषय में दोष दर्शन हो जाए तो इच्छा नहीं होगी उसकी प्राप्ति के लिए, दोष दर्शन के कारण जो काम निवृत्त हो गए और जो काम अभी आए नहीं उसी को लेकर के हैं हृदय स्थित आकर के। अनाश्रित काम है, बुद्धि में अनाश्रित काम है, उनको लेकर के विशेषण लगा दिया हृदय स्थित। कामानाम वर्तमान नियमाभावात्, काम जो होते वर्तमान में होते हैं बात नहीं, इच्छाएं वर्तमान में होती है बात नहीं है, भूत में भी हुई भविष्य में भी होंगे, उन दोनों से पृथक करने के लिए हृदय स्थिरता बोला हुआ है। कामानाम वर्तमान तो नियमाभावात, भूत भविष्य में भी संभव है फल, भूत भविष्य में काम हो सकते हैं, भूत में भी है भविष्य में काम है, संभव होने पर इस पद के अतः करके अतः युक्तम तान अपेक्षा विशेषण, जो अनाश्रित काम है भूत भविष्य काम को लेकर विशेषण लगा दिया हृदय स्थिरता, ये कहना है। कौन तो कहा, ये प्ररूढ़ा हृदय में आश्रित काम कौन है, अभी वर्तमान कालीन काम हृदय में आश्रित है, ये प्ररूढ़ा फलोन्मुख और क्या है, विषय वर्तमान है, जो विषय में वर्तमान है, विषय की इच्छा हो रही है वो काम हृदय में आते हैं, सर्वे प्रमुचते सबके सब मुक्त हो जाता है, कोई काम नहीं रहेंगे जिस काल में, यदा सर्वे प्रमुचते काम आय से हृदय स्थित अथ मृत्यो मृत्यो भवति अत्र प्रभु समझते, इसलिए कहा। आगे टीका में कहते हैं, हृदय अनाश्रित भूत भविष्य काम संभवे भी सर्वकाम निवृत्ते विवक्षित तत्वा वर्तमान विशेषण अनर्थकम इति संकते। पूर्वाद फिर एक प्रकार से शंका करता है, हृदय में जो अनाश्रित भूत और भविष्य काम, और हृदय में आश्रित है वर्तमान काम, हृदय अनाश्रित भूत भविष्य काम संभव भी होने पर भी, वर्तमान काम तो हृदय में है और भूत भविष्य भी संभव है, होना हुआ जो वो भी संभव है, होना भी संभव है, होने पर भी सर्व काम निवृत्ति विवक्षित, तो अध्ययन सबके सारे के सारे काम की निवृत्ति विवक्षित है। सर्वे यदा सर्वे प्रमुचते काम है श्री तक कहा है, सारे के सारे जितने भी कामनाएं थे निवृत्ति में तात्पर्य है यहाँ श्रुति में होने से। वर्तमान विशेषण अनर्थकम, जो वर्तमान विशेषण जो लिया है ना प्रमुचते करके क्रियापद वर्तमान में है तो विशेषण अनर्थक होगा, पूर्वादि कहते हैं, क्योंकि अनाश्रित काम भी है आश्रित काम भी है, वर्तमान विशेषण देने से और काम की निवृत्ति नहीं होगी, भूत की और भविष्य की निवृत्ति नहीं होगी, केवल वर्तमान वाले की निवृत्ति होगी, भूत और भविष्य की निवृत्ति नहीं हो पाएगी, ये पूर्वादि का कहना है। हृदय अनाश्रित भूत भविष्य काम संभव है भी, हृदय में अनाश्रित भूत काम भविष्य काम संभव होने पर भी
सर्वकाम निवृत्ति विवक्षितत्वात् श्रुति में तो सारे कामनाओं की निवृत्ति विवक्षित है, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते सर्वे वर्तमान विशेषण अनर्थक, वर्तमान के अलावा क्रियापद लगा दिया है प्रमुच्यन्ते, वर्तमान लट प्रकार का प्रयोग है, अनर्थकों का विशेषण ये संगते पूर्ववादी शंका करता है। तथा भी चलो अनाश्रित काम भी है, हृदय में आश्रित है वर्तमान वाले, भूत भविष्य अनाश्रित होने पर भी, अनाश्रित काम होने पर भी विशेषण अनर्थक्यम, जो वर्तमान विशेषण लगा दिया है प्रभुचंदे करके क्रियापद लगाए व्यर्थ हो जाएगा। ये ऐसा कहे कि सिद्धांत का नाम बोलते हैं, दो की टिप्पणी में कहा अवतरण तत्व भी कहा, अवतरण में जो कहा था वही है, हृदय अनाश्रित भूत भविष्य काम संभव सर्व काम निवृत्ति विवक्षित तत्वादि यही है। तो विवक्षित होने से वर्तमान विशेषण अनर्थकम पूर्वादि बोलता है, वर्तमान विशेषण लगाना व्यर्थ है, प्रमुचते समय व्यर्थ है, विशेषण तो अनर्थ ही होगा वर्तमान विशेषण की शंका आ गई। तो कहा न सिद्धांत करना केशु यत्नाधिक आएगा आधे तत्व, कहा वर्तमान जो कामना है ना उसमें प्रयत्न ज्यादा करने की आवश्यकता है इसको हटाने के लिए, भूत तो चला गया भविष्य देव आया हुआ नहीं है, वर्तमान में जो कामनाएं हैं उसको हटाने के लिए दूर करने के लिए यत्न प्रयत्न अधिक अधिक प्रयत्न की आवश्यकता है, इसलिए प्रमुचंद कहा यदा सर्वे प्रमुचंद करते हैं। तेषु तीन नंबर में बताया वर्तमान कामादिशु, जो वर्तमान में कामादि है उनका तम निवृत्त्यर्थम, वर्तमान कामादि में उसकी निवृत्ति के लिए यत्नाधिक ज्ञापनार्थम प्रयत्न ज्यादा करना चाहिए वर्तमान कामों को हटाने के लिए, तत्वाद विशेषण से विशेषण प्रमुचंद विशेषण वर्तमान ग्रहण से वर्तमान काल का लगाव का प्रयोग किया प्रमुचंद कर कहा उसके लिए आता है यदा सर्वे प्रमुचंद इत्यादि। इतर था आश्रम नहीं तो अश्रुतम अनिष्टम से कल्पितम से आत्माश्रयत्व कामानाम, इतर था आत्माश्रयत्व कामानाम आत्मा में आश्रित मानते हैं भरत प्रवृत्त कामों को, तो कहते हैं अश्रुतम सुना नहीं, श्रुति में नहीं सुनाई पड़ा किसी भी श्रुति में आत्मा में आश्रित नहीं कहा काम को, और आत्मा में आश्रित यदि काम हो तो वोक्ष असंभव है अनिष्टम से कल्पितम से दो कल्पना हो जाएगी, आत्माश्रयत्व की कल्पना और अनिष्ट की कल्पना, यदि हृदय स्थिरता न मान के आत्माश्रित काम को मानेंगे तो कहा इतर था। चार की टिप्पणी बताया काम से हृदय हृदयाश्रयत्व अनुगमे, काम जो है हृदय आश्रय न मानने पर आत्माश्रयत्व अभिगमन है, आत्माश्रय मानने पर दो दोष आ जाएगा, अश्रुति की कल्पना किसी भी श्रुति में आत्मा में आश्रित काम को नहीं कहा उसकी कल्पना, और दूसरी बात अनिष्ट की प्रसक्ति, आत्मा में यदि काम हो तो आत्मा मुक्त नहीं हो सकता संसारी रहेगा, साधना व्यर्थ होगी, मुक्ति के साधन बताने वाला शास्त्र व्यर्थ होगा, ये सब अनिष्ट होगा आत्माश्रय तो कामना आत्माश्रय तो और अनिष्ट दो दोष आ जाएगा कहा। पूर्वादि फिर बोलता है महाराज न कंचन कामम कामयते इति प्राप्त प्रतिषेधात् आत्माश्रय तुम कामानाम श्रुतम एव कहते हैं, देखो प्राप्त की प्रतिषेध होता है अप्राप्त की प्रतिषेध नहीं होता है, ये कहना पूर्वादी का कहना है न कंचन कामम कामयते कहा है, जिस अवस्था में किसी कामना होगी किसी इच्छा विषयों की इच्छा नहीं करता ऐसा आया है, तो न कंचन कामम कामयते थी प्राप्त प्रतिषेधा प्राप्त की प्रतिषेध होती है, प्राप्त हो तो निषेध किया जाता है अप्राप्त की निषेध नहीं होगी, आत्मा में यदि काम न होता तो न कंचन कामम कामयते नहीं कहना चाहिए था, काम है इसलिए तो निषेध किया, न कंचन कामम कामयते इति प्राप्त प्रतिषेधा प्राप्त की प्रतिषेध है उस काम में होता है, अप्राप्त वस्तु की निषेध नहीं किया जाता प्राप्त हो तो निषेध किया जाता है, प्राप्त का प्रतिषेध है ये, तो काम है आत्मा में तभी तो ये निषेध कर रही सुनते न कंचन कामम कामयते कहा यदा न कंचन कामम कामयते न कंचन स्वप्न पश्यति इत्यादि इसलिए कहा है, पहले थे काम था आत्मा में आत्मा में काम है कामाश्रित है आत्मा आत्माश्रय तुम कामान श्रुतम है आत्माश्रय तो काम 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 आत्मा में आश्रित है सुनाई पड़ा है, आप सिद्धांत कहा था अश्रुत की कल्पना हो जाएगी आत्माश्रय काम पर पूर्वाज बोलता है श्रुत है सुनाई पड़ा है कहाँ,
न कंदर कामम काम आए थे न कंदर स्वप्न पश्यते भी कहा था। तो प्राप्त के प्रतिषेध होता है, अप्राप्त के प्रतिषेध नहीं होता। ये काम कामों का आश्रय, इच्छाओं का वासनाओं का आश्रय आत्मा है, ये सिद्ध होता है पूर्वाधिकार सिद्धांत न। अरे बाबा सही स्वप्नों भूतवा ये मनोकों अधिक्रामती मृत्यु रूपाणी ये श्रुति में, और कांड माध्यम से शाखा में सही कहा बुद्धिवृत्ति के साथ होकर के, स्वयं नहीं बुद्धिवृत्ति के साथ होकर के स्वप्नों भूतवा सुस्मृति अवस्था प्राप्त कर परणवितत्व यदि परणवितत्व कामाश्रयत्व प्राप्त है। कामाश्रयत्व की प्राप्ति आत्मा में औपाधिक है, बुद्धि के साथ संपर्क होने से आत्मा में भासता है, वास्तव में प्राप्त नहीं आत्मा में काम आदि ये कहते हैं। सदी स्वप्नो भूत्वा ये स्मृति है, माध्यम शाखा में इसी मंत्र में ऐसा आया सदी स्वप्नो भूत्वा इमं लोकम अतिक्रामति मृत्यु रूपाणी कहा, कार्यक्रम संघात को त्यागता जिस काल में कहा। यहाँ सदी का बुद्धि की वृत्ति के साथ होकर तादाद में होकर स्वप्नो भूत्वा पर सुषुप्त अवस्था में पहुंचकर परनिमित्व कामाश्रयत्व, परनिमित्तक है उपाधि निमित्तक है कामाश्रयत्व आत्मा में, बुद्धि में है, बुद्धि के साथ अज्ञान के कारण तादात्म्य से आत्मा में दिख रहा है। परनिमित्त पर उपाधि है, उपाधि निमित्त करो कामाश्रयत्व प्राप्त है। इसलिए असंग पचराज दूसरी बात ये भी है, आत्मा को असंग रहा, असंग वही अयम पुरुष असंग है, कामादि का आश्रय काम सकता आत्मा। इसलिए न कंचन काम हम काम आए थे जो कहा गया प्राप्त का निषेध का उपाधिक प्राप्ति की निषेध किया, बुद्धि के साथ अज्ञान काल में तादाद ग्रहण करके बुद्धि के धर्म काम आदि को अपना मानता था, ज्ञान काल में निषेध किया, औपाधिक के निषेध होता है क्या वास्तव क्या नहीं। एक आ पाँच छः भी टिप्पणी है, पाँच छः सात भी है, पाँच वगैरह वचनाद कहा शरीर स्वप्नो बुद्धा इति वचना, ऐसा वचन है श्रुति में, और परनिमित्त से भी बताया है धी संसर्ग निमित्तत्व बुद्धि के साथ तादात्म्य के कारण काम आदि आत्मा में भास रहे थे उसे निषेध किया, न कंचन कामम काम है श्रुति के द्वारा। साथ में कहा असंग वही आयु पुरुष असंग असंगत्व वचनाच था, तो असंग वचन क्या है, असंग वही आयु पुरुष श्रुति बोलती है आत्मा असंग है, काम आदि का आश्रय नहीं हो सकता, नहीं कामाश्रय पे असंग वचन को बदल दीजिए, आत्मा में काम का आश्रय हो, आत्मा काम और उसमें आश्रित हो तो असंग कहना घटेगा नहीं, असंग ही आय पुरुष वचन घटेगा नहीं। एक संघर्ष काम ही देव वचन पूर्वाजी बोलता है, नहीं असंग करके कहा ना, काम का आश्रय करने से थोड़ी क्या सिद्ध हो, असंग ही आय पुरुष कहा, असंग बोला हुआ है काम का आश्रय तो हो जाएगा आत्मा, संग करके कहते हैं संघर्ष काम, जो संग है वो काम, संघ और काम एक ही चीज है, असंग कहने पर काम की भी निवृत्ति हो जाती है। पर्यायवाचक है संघर्ष काम इति अवोचाम, हम ये बोल चुके हैं पहले, कहते हैं भाष्यकार ने कहा है इसके 10:88 में कहा था, 10 मैं संख्या पृष्ठ संख्या 10:88 वहाँ कहा था संघर्ष काम इति अवोचाम, आठ की टिप्पणी बताया है वृद्धारण्य में चतुर्थ अध्याय के तृतीय प्रारंभ में, इसी में 16वें कंडी का कहा था संघर्ष काम, काम और संघ पर यह वाचक है, एक ही बात है, तो काम का निषेध से संघ का भी निषेध हो जाता है। फिर बाद में बोलता है काम का निषेध हुआ है संघर्ष असंगोया पुरुष संघ का निषेध किया, किंतु काम का निषेध तो नहीं किया असंगोय पुरुष, तो कहते हैं काम और संघ काम एक ही है। काम आत्मकाम इति सुदेर आत्म विषय अश्य काम हो भगवती से आत्मकाम बोला है, अपनी इच्छा करता है आत्मकाम करते ही होगा, तो फिर भी आत्मा में काम तो है पूर्वाजी ने कहा आत्मकाम देव आत्मकाम स्मृति के माध्यम से आत्म विषय अश्य काम हो भगवती है, अन्य विषय कामना तो नहीं इसकी, अपने विषय कामना है, तो कामाश्रय तो हो जाएगा इसका इसके माध्यम से भी जे सिद्धांत न बोलेंगे। टिप्पणी नौ की टिप्पणी में कहा आत्मकाम कहाँ कहा था, कहते चार चार छः में कहा था आत्मकाम इत्यादि चार चार छः में नौ है, हाँ आगे कहेंगे एक बात आत्मकाम तेर आत्म विषय से काम हो बहुत ही चार चार छः में आएगा आगे आएगा, अभी तो चार तीन में हम बैठे हैं, तो आत्म विषय काम तो होगा इस शंका करे तो कामना है आश्रम आत्मा में कहे तो नौ कहते सिद्धांत नौ।
व्यतिरिक्त काम अभाव तत्वात् तस्याः, व्यतिरिक्त अतिरिक्त काम नहीं है एकांत में तात्पर्य उसका, आत्मा में आत्मा की इच्छा होती है बाद में, आत्मा से अतिरिक्त कोई इच्छा नहीं है, काम होना ही है, इसमें तात्पर्य रखता हुआ आत्मा काम वाक्य ठीक है। दस के चित्र में बताया है आत्मातिरिक्त, आत्मा से अतिरिक्त काम की इच्छा नहीं, इसमें तात्पर्य है, न कि आत्मा की चाहता है बता रहे, अपना स्वयं का चाहना बनता ही नहीं, आत्मा से अतिरिक्त की इच्छा नहीं करता, ये अर्थ में जाता है काम अभाव अर्थात तस्या तस्या श्रुते ही स्तुति का तात्पर्य यह है, ये बता दिया ठीक है। फिर देखेंगे समय हो गया है, यह करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम।